हेलो गाइस, मैं इरफान बात कर रहा हूँ 301 रिपेयर से। जिस तरीके से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में प्रगमा फिक्स के सॉफ्टवेयर में इशू आता है, तो मैं आसान तरीका आपको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से इजीली आप प्रगमा फिक्स इंस्टॉल करके और उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में खाली रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताता हूँ, किस तरीके से आप टोकन लेके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपको आपके प्रगमा फिक्स सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। जब ये ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आपको करना ये होगा कि आपको सबसे पहला चेक करना होगा कि ये अपडेट है क्या नहीं। तो चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करेंगे तो विद इन सेकेंड ये बता देगा कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर अप टू डेट है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड और टोकन की डालना है। तो जिस तरीके से देखिए, मैंने ये पासवर्ड अभी ईमेल एड्रेस को स्ट्राइक आउट कर दिया है ताकि लोगों को दिखे नहीं, पर इस तरीके से आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है। और ईमेल एड्रेस आपका याहू का हो, जीमेल का हो या किसी अन्य डोमेन का हो तो इससे कोई इशू नहीं है, आप लोग इजीली डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डालने के बाद आपको करना क्या होता है, जब जैसे ही आपको डाल के हो जाएगा पासवर्ड, आपने ईमेल एड्रेस आपने फिल कर लिया होगा, तो ईमेल एड्रेस के बाद आपको पासवर्ड डालना होता है। तो ये पासवर्ड आप कितने भी कैरेक्टर का डाल सकते हैं, यहाँ कोई ऐसी वो नहीं है। आपको अगर छोटा रखना है तो छोटा रखिए, अगर बड़ा रखना है तो बड़ा रखिए, कोई इशू नहीं है। पर आपको ये करना है कि आपको याद ज़रूर रखना है, आप जो भी पासवर्ड डालते हैं तो आपको याद रखना है। और वो पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना होता है, जब भी आप पासवर्ड डालते हो उसके नीचे कन्फर्म पासवर्ड दिया रहता है, तो जो ऊपर का जो पासवर्ड आप डालते हैं वही सेम पासवर्ड इसमें डालेंगे। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड में भी आप सेम पासवर्ड डालेंगे। और जब कंफर्म पासवर्ड आप डाल लेंगे तो उसके बाद आपको करना क्या होता है, टोकन डालना होता है। अब ये टोकन क्या चीज़ होती है, टोकन ये चीज़ होती है कि आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से जब परचेस करेंगे तो वो एक टोकन की देते हैं जो नंबर और कैरेक्टर के डिफाइन में रहती है। तो देख सकते हैं ये टोकन की है और इस पर रजिस्टर क्लिक करना होता है। जब भी आप रजिस्टर करते हो तो आप इसके अंदर डिटेल लिखा देगा कि ये कब तक चलेगा। तो इस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, बड़ा ही आसान है। तो आप लोगों को मैं गुजारिश करूंगा कि वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।